ये पल्सर। तो हेलो दोस्तों, आज अपन जा रहे हैं पेट्रोल डलवाने बाइक में। तो उधर तो महंगा हो गया था पिछली बार जब अपन गए थे उस साइड, तो आज अपन चलेंगे इधर, थोड़ा सस्ता है तो उधर चलेंगे अपन। और दोस्तों अभी घंटे का कुछ ऐसा है सीन, बहुत ज़्यादा घट गए और समझ नहीं आ रहा मतलब कैसे क्या करें। डिमोटिवेट फील होता है कभी कभी, तो लगता है कि ये हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि कई बार मैं यहाँ तक पहुँच चुका और यहाँ से वापस मेरे को घंटे कट गए। पर इस बार सोच रहा हूँ कि मतलब कुछ दोस्तों ने भी सपोर्ट दिखाया अच्छा सा यूट्यूब पे, कई भाई कमेंट वगैरह में आपको मिल जाएंगे, वो भाई मेरे को बहुत सपोर्ट करते हो कमेंट में आपको मिल जाएंगे, दो तीन भाई हैं, तो बस उनको देख के ऐसे लगता है कि हाँ भाई कुछ करना चाहिए। और अपन काफ़ी नज़दीक पहुँच गए, तो दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए बढ़िया कंटेंट लाने की, पर अभी मेरा अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई, तो बिना अर्निंग के मैं कुछ नया भी क्या करूँ मेरे को खुद को समझ में नहीं आता। कुछ नॉलेजफुल वीडियो बनाऊँ तो इस पर सारी वीडियो मैं बना चुका, तो अभी मोटो व्लॉग रह गया, तो इसीलिए अपन मोटो व्लॉग की वीडियो ज़्यादा शूट करते हैं आजकल। बाकी कोई नई चीज़ आएगी तो मैं पक्का वीडियो बनाऊँगा। और ये इस साइड देखो कितना पानी भरा हुआ है, और इतना पानी होने के बाद भी इस एरिया में पानी की कमी है। धीरे मज़े नहीं आ रहे ना, थोड़ा तेज चलते हैं। और ये स्पीड बन चुकी है, गलियों में तो घूम जाती हो बहुत तेज, कभी कभी लगता है कि RX 100 को सेल करके अपन दूसरी कोई बाइक ले आते हैं, उस पर अपन फिर मॉडिफिकेशन वगैरह की वीडियो बनाएंगे, क्योंकि RX 100 एक क्लासिक बाइक है, और क्लासिक बाइक के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे, उसमें हजार फ्लैशर और फलानी ये अनसेंट चीज़ लगवाएंगे तो अच्छा नहीं लगता। क्लासिक चीज़ को क्लासिक ही रखना चाहिए, जो ओरिजिनलिटी है उसकी, जैसे बुलेट है, अब मैं बुलेट को मॉडिफाई करके उसको KTM की लुक देना चाहूँगा तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, वो जो बाइक उसकी रियलिटी है जैसी वो क्लासिक दिखती है वैसी अच्छी लगती है। बाकी मॉडिफिकेशन के लिए हमें स्पोर्ट्स बाइक लेनी चाहिए, क्योंकि उन पर मॉडिफिकेशन जचती भी है और अच्छा भी लगता है थोड़ा। बाकी अगर आप स्प्लेंडर पे कुछ अनाप शनाप चीज़ें करते हो तो वो अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी, सही में मैं दिल से बता रहा हूँ दोस्तों, जो मेरे को दिखते हैं ना वो स्प्लेंडर का मडगार्ड हटा के उसमें ट्रैक्टर का साइलेंसर लगा के, मैं सही में उनको दुनिया में सबसे बड़ा चूतिया आदमी समझता हूँ, क्योंकि बाइक को बाइक की तरीके से मॉडिफिकेशन करना चाहिए। ये पंजाब में कई लोग हैं, कई बहुत चमन लोग, पता नहीं क्या ही बनाते रहते हैं, उसको प्लेटिना को कुछ बना देंगे, और बाकी साउथ की तरफ देखो आप बाइकों को मॉडिफिकेशन करते हैं बहुत सलीके से, ऐसे नहीं कुछ भी कहीं पर भी लगा दिया। यहीं से डलवा लेते हैं और यहाँ आपको तगड़े रिएक्शन भी देखने को मिल जाएंगे। भीड़ देखो कितनी ज्यादा है, ये भाई वाला करो भाई, तो कैसे लग रही है तो अभी चलते हैं अपन, तेल डलवा लिया दोस्तों। और ये XP पावर वाला तेल है या नहीं है इसके अंदर घुस के कोई नहीं देखता, तो इसको कभी मत डलवाया करिए, ये सब गियर लगाने के चक्कर है। ओ ये पल्सर। ये उठा देती है मेरे को, उछाड़ देती है बहुत तेज पीछे। दूसरी साइड चलते हैं, ब्रेक तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं ड्रम ब्रेक, तो ये कंट्रोल नहीं आने आते ड्रम ब्रेक के, तो देखो गाड़ी में से निकल के ये किसी को देख रहे हैं। तो दोस्तों इधर
कुछ नई चीज़ तो दिख नहीं रही आज। आज एक काम